पश्यन्ति लोभो पहत चेतसः कुलशय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापदस्मात् त्रिवर्तितुं कुलशय कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? धर्मे नष्टे कुलं कृतस्त्रम् अधर्मा अभिभवति उत अधर्मा विभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुले स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वा श्रीजायते वर्णशङ्करः नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे वृष्टिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। शङ्करो नरकायैव कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो होशान् लुप्तपिण्डो दक्रिया दोषेते कुलघ्राणां वर्णशङ्करकारके उत्साधन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता अनुशुशुरुम् अहोबत् महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यत्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमूढता। वर्णशङ्कर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाली अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित होकर इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण शंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। शस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवे। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा।
मुक्त्वार्जुन सखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविग्रमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतृप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का वृतांत संपूर्ण हुआ।